दिल्ली दंगों को लेकर आज विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अभी मिल के निकला है। ये विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अहमद पटेल, सीपीएम की तरफ से सीताराम येचुरी, सीपीआई की तरफ से डी राजा, डीएमके की तरफ से कानीमुझी और आरजेडी की तरफ से मनोज झा इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर ये मांग की है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल की है जिसमें कई नेताओं का भी नाम है, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और दूसरे जो विसिल ब्लोअर हैं उन लोगों का नाम है, उसको लेकर कड़ा एतराज जताया है और ये कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन किसी न किसी के इशारे पर की जा रही है। जिन लोगों ने एनआरसी और एनपीआर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको एड्रेस किया, उन लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, आज उन लोगों को साजिशन इस दंगे का दोषी करार दिया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे किया जा रहा है। विपक्षी दलों के इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर ये मांग की है कि ये जो जांच का जो एजेंसी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार जिस दिशा में इस जांच को ले जाया जा रहा है, जिस तरह से चार्जशीट फ्रेम किया गया है, ये क्या किसी के इशारे पर किया जा रहा है। जानबूझ के इन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जानबूझ के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत इन नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के दंगों के मामले में, जबकि जो दोषी लोग हैं, जो सही लोग हैं, सही दोषी लोग हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है और जांच को दूसरी दिशा में मोड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग 5 लोग डेलीगेशन के रूप में ऑनरेबल रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी को मिले थे, जिसमें येचुरी जी थे, डी राजा जी थे, कनिमोरी जी थी और मनोज झा जी थे। हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें हमने कहा है कि जब से ये सरकार आई है लोकतंत्र प्रक्रिया को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, अपने ओपोनेंट को दबाने की कोशिश हो रही है, उनकी आवाज़ किस तरह से बंद हो जाए उसकी कोशिश हो रही है। दिल्ली में जो रायट्स हुए थे, तूफान जो हुए थे 23 और 26 फरवरी के बीच में, और उसमें जिस तरह से सबको मालूम है, मीडिया वालों ने, आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ चलाया हुआ था, उसमें जो लोग बाहर से भी आए थे, पुलिस का रोल भी, उनकी भूमिका भी सब जानते हैं, और जिस तरह से लोगों को पीटे गए थे, मारे गए थे, काफ़ी लोगों की जान भी गई, उसके बारे में पुलिस ने एक एसआईटी और स्पेशल सेल भी बनवाया हुआ था इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जिस तरह से चार्जशीट पेश की गई है उससे लगता है कि कोई डीप कॉन्स्पिरेसी है अपने ओपोनेंट को, या इकोनॉमिस्ट, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग और पॉलिटिशियंस लोग, जिन्होंने जाके सीएए के बारे में, एनआरपी, एनपीए के बारे में जो भी चीज़ें थी उसके बारे में जाके एक एड्रेस करने की, जनता को, लोगों को, स्टूडेंट को उजागर करने की कोशिश की थी कि भाई ये हकीकत है, लेकिन उनका नाम भी उसमें डाल दिया है चार्जशीट में, जैसे वो लोग रायट्स को उकसा रहे थे। सही बात तो ये है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, और जो लोग जाके सही बात, असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलीफ काम कर रहे हैं, उनका नाम किसी तरह से या उनको बुक करने की कोशिश हो रही है, तो हम समझते हैं ये बड़ी डीप साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है, और राष्ट्रपति जी को हमने बताया कि इसके बारे में जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये सही रास्ते पर चल रही है या किसी ने दी हुई किसी लाइन पे चल रही है, ताकि अपने जो ओपोनेंट है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं जब सरकार गलत काम करती है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है वो आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। इससे तो ये होगा भविष्य में कि जो रायटर्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, और जो लोग सही माने में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीफ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या सही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है, तो इसके बारे में
माननीय राष्ट्रपति जी को हमने एक मेमोरेंडम दिया है, जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही है या किसी के कहने से कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। सर, ये मामला कोर्ट्स में भी है, तो आपको लगता है क्या राष्ट्रपति कैसे इंटरवीन कर सकते हैं इसमें? सी, कोर्ट में तो मामला है, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके बारे में तो जरूर राष्ट्रपति जी इंटरवीन कर सकते हैं या सरकार के ध्यान पे तो ला सकते हैं। ये इस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और तो अपना काम करेगा ही, उसमें हम दखल देना नहीं चाहते। पॉइंट इज दैट दे आर मेकिंग इट आउट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स एज बीइंग रिस्पांसिबल फॉर द राइट्स। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी दैट द यूनियन होम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड हिज क्रोनोलॉजी, हिज फेमस वर्ड ही आर्टिकुलेटेड दैट इन हिज इन द लोकसभा that anti-CIA people are responsible for this violence. Now, this is the orchestration. We have appealed to the president. What Mr. Ahmed Patel has told you, we have appealed to the president that as the president custodian of the constitution, this sort of a motivated direction in which the police investigation is going, that has to be stopped. A proper thorough inquiry needs to be conducted. This investigation is motivated. And therefore, that must be done by the Honorable President. That is our plea. अहमद पटेल और सीताराम येचुरी दोनों ने ये कहा, राष्ट्रपति से मांग की है विपक्षी दलों ने कि इस पूरे इंक्वायरी को, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का दोबारा से जांच होना चाहिए कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करके इसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा, एक राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है। जो पार्टियाँ या जो लोग इसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।